हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश चैप्टर सेवन ऑफ एन आई एस बोर्ड सो लेट स्टार्ट विथ रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग रीड द पैसेज गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग ओके मतलब हमें पैसेज पढ़ना है और उसके हिसाब से कुछ गिवन क्वेश्चन होंगे उसका आंसर करना है ठीक है लेट्स रीडिंग दिस कॉम्प्रीहशन बिफोर एग्जामिनेशन मैनी स्टूडेंट आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस बट इट इज़ नॉट जस्ट द स्टूडेंट वर इन स्ट्रेस टीचर्स एंड पेरेंट्स टू फेस द सेम सिचुएसन एग्जाम के पहले बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं लेकिन ये सिर्फ बच्चे नहीं हैं ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं है जो स्ट्रेस में रहते हैं टीचर्स को भी स्ट्रेस होता है पेरेंट्स को भी स्ट्रेस होता है उनके साथ भी ऐसा सिचुएसन आता है वाई डू पीपल गेट स्ट्रेस एडोलसन आर फेस्ड विद डिमांड ऑफ दियर डेवलपमेंट टास्क एंड दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी देखो इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है कि इंसान को स्ट्रेस क्यों होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है मतलब जैसे जवान होता है उनके सामने बहुत सारे डिमांड्स आते हैं मतलब जैसे आप क्लास टेंथ से ट्वेल्थ में आ रहे हो तो आपके धीरे धीरे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है आपको सोसाइटी में सस्टेन करने के लिए आपको टेंथ में अच्छे मार्क्स लाने होते थे ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स लाने हैं इन सब चीज़ों की वजह से स्ट्रेस होता है क्योंकि बच्चों को क्या है कि रिक्वायरमेंट होती है स्किल डेवलप करने की कौन सी स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है कि आप जैसे जैसे बड़े होते हो तो आपको अपने आप को एडजस्ट करना सीखना पड़ता है कि आप सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करते हो किसी लोगों की बात सुन के कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो अगर ये सारे स्किल्स आप में थोड़ा सा कम हो जाता है लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है घर में एक्सपेक्टेशंस अगर ज़्यादा होता है तो बच्चे को स्ट्रेस होने लगता है अगर मान लो आपके मम्मी पापा को आपसे बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशन रहे कि आप ट्वेल्थ में नाइन्टी परसेंट ले आओ या एटी फाइव परसेंट ले आओ तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण होता है तो ये यही कहना चाह रहे हैं इफ़ दे लैक दीज स्किल्स और टू मेनी डिमांड्स आर मेड ऑन देम अगर या तो आप में मैनेजमेंट स्किल आप में नहीं आ पाया या फिर आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है तो इस कारण से बच्चों को स्ट्रेस होता है तो स्टूडेंट्स आर एंगस एंड दे आर वरीड अबाउट वेदर दे वुड बी एबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर पी एस पेरेंट्स एंड टीचर्स तो स्टूडेंट्स इस वजह से परेशान रहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के अपने दोस्तों के अपने टीचर्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको वो मैच कर पाएंगे कि नहीं क्या कहते हैं कि ऑप्टीमल एंग्जाइटी मोटिवेट्स एंड कीप दैम हेड वाइल ओवर एंग्जाइटी इज डिसेबलिंग मतलब अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो तो वो मोटिवेट करता है इंसान को लेकिन अगर ये इंग्जाइटी ज़्यादा हो जाती है एंगजाइटी का मतलब घबराहट परेशानी बिना बात के घबराहट या परेशानी खुद परेशान होना इसको एंग्जाइटी कहते हैं तो ये इंग्जाइटी अगर थोड़ा बहुत हो तो चलता है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं और ये हमारा जो दिमाग है वो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है एंग्जाइटी इज़ कॉन्टेजियस एंड पासिस टू अदर स्टूडेंट टीचर्स एंड पेरेंट्स एडोल्सनस वन स्ट्रेस आउट टेन टू परसीव एवरी थिंग इज़ एन इमरजेंसी ये क्या कहते हैं कि एंगजाइटी इज कंटैचियस मतलब किसी को छूने से फैलता है तो क्या कहते हैं ना तो एंगजाइटी भी ऐसी चीज़ है अगर आप किसी परेशान इंसान के साथ हमेशा रहते हो ना तो आप भी परेशान होते रहोगे क्योंकि एक वो मेंटल स्टेबिलिटी उस इंसान में नहीं है तो वो हर बार नेगेटिव बोलेगा तो वो नगेटिव एनर्जी आपके अंदर भी आएगी तो इसलिए कहते हैं कि एंगजाइटी इज जेस एंड पासेज़ ऑन टू अदर स्टूडेंट टीचर्स एंड पेरेंट्स एडोलसन मैन स्ट्रेस आउट टेन टू परसीव एवरी थिंग एज इमरजेंसी बड़े हो रहे होते हैं ना बच्चे और अगर उन्हें कुछ भी परेशानी होती है तो वो छोटी परेशानी भी हो हो सकता है वो जो परेशान बच्चा है बड़े लोगों के सामने वो परेशानी है तो वो आम परेशानी है जो टीन में होते हैं लोग जो भी स्टूडेंट्स जो होते हैं इमरजेंसी का केस बना देते हैं कि जैसे उनकी ज़िंदगी में इससे बड़ी परेशानी कोई है ही नहीं सम ऑफ द रीज़न फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रेस लेवल आर आइडेंटिटी क्राइसिस द नीड टू मेक करियर ओरिएटेड डिसीजन टीचर्स एंड पेरेंट्स एटीट्यूड पियर प्रेसर कुछ स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कुछ कारण ये होता है ना आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब कि जो करियर ओरिएंटेड डिसीजन लेना होता है जैसे आप अगर अभी ट्वेल्थ में हो ट्वेल्थ पास करने के बाद आप कौन सा करियर चूज करोगे इस तरह के डिसीजन लेना भी इंसान को बहुत परेशान करता है मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ मुझे भी पता है कि जब मुझे ट्वेल्थ क्लास में मुझे करियर डिसीज़न लेना था तो कितना परेशानी हुआ था मुझे द इबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पेरेंट्स ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इनाबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पेरेंट्स मतलब अगर आप पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते हो जो बच्चे पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते हैं ज़्यादा अपनी परेशानी को लेकर तो ये भी एक कारण होता है स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने का ठीक है गुड मेमोरी डिपेंड्स अपॉन गुड ब्रेन द ब्रेन नीड्स अ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज कैल्शियम फास्फोरस एंड आयरन कि मतलब अगर आपकी आपका ब्रेन हेल्दी है तो आपकी मेमोरी भी बहुत शार्प होगी ठीक है और एक शार्प मेमोरी के लिए क्या चाहिए एक शार्प मेमोरी एक बढ़िया ब्रेन शार्प मेमोरी के लिए चाहिए बढ़िया ब्रेन और बढ़िया ब्रेन के लिए क्या चाहिए एक बढ़िया ब्रेन के लिए चाहिए एक, एक, एक गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज कैल्सियम मतलब कुछ तत्व है जो कुछ एलिमेंट्स है ऑक्सीजन ग्लूकोज कैल्सियम फॉस्फोरस एंड आयरन इसकी डिमांड होती है बॉडी में ये पूरा होना चाहिए अगर ये आप प्रॉपर अमाउंट में लेते हो तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा आपकी मेमरी तेज होगी सो मेक्स योर यू सेट इन अ वेल वेंटिलेटेड प्लेस वेन स्टडिंग तो इसलिए हमेशा हमें पढ़ने के समय खुली हवा में पढ़ना चाहिए मतलब खिड़कियाँ खोल के पढ़ना चाहिए ताकि ताज़ी हवा रूम में आ सके ठीक है और योर डाइट शुड इंक्लूड मिल्क चीज़ वॉलट व्हीट जम ग्रीन लीफी वेजिटेबल रागी एंड डेट्स हमारे डाइट में आपके डाइट में दूध पनीर अखरोट व्हीट जम लीफ़ी वेजिटेबल्स रागी खजूर डेट्स ये सब का होना बहुत ज़रूरी है ठीक है डो नॉट फर्गेट द ब्रेकफस्ट इज द ब्रेन फूड ब्रेकफस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मील होता है पूरे दिन का और ये ब्रेन का फूड भी कहा जाता है ब्रेकफस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे फैटी मील्स शुगर एसिड टेक अवे कैल्शियम फ्रॉम द सस्टम फैटी मील्स जो होता है सुगर एसिड जो होता है ये कैल्शियम को बॉडी से निकाल देता है ठीक है इसलिए कहते हैं कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है फैटी मिल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए मतलब तेलीय पदार्थ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए एसिडिक चीज़ें कम खानी चाहिए जो भी चीज़ जैसे डाइट्स रिच इन फाइबर लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस जो भी ऐसा खाना जिसमें फाइबर होता है फाइबर किस में होता है फाइबर होता है फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में डेट्स में फाइबर होता है तो जो भी ऐसा भोजन ऐसा भोजन जिसमें फाइबर का अमाउंट ज़्यादा होता है उससे स्ट्रेस कम होता है स्ट्रेस रिलीफ होता है गुड कंसनट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव ने इम्प्रूव द मेमरी लर्निंग एंड मेमोराइजिंग बाई अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉलिंग दैट वॉट वन हैज लर्न इज हेल्पफुल क्या कहते हैं गुड कंसनट्रेशन मतलब आप कितना फोकस होकर पढ़ते हो गुड कंसनट्रेशन अच्छा कंसंट्रेशन इज़ इम्पॉटेंट टू इम्प्रूव द मेमोरी मतलब जितना ज़्यादा फोकस होकर पढ़ते हो उतना शार्प होगा मेमोरी जैसे कभी कभी क्या होता है ना आजकल के लाइफ में ज़्यादा हो गया कभी इंस्टाग्राम भी चेक कर लिया फेसबुक भी चेक कर लिया यूट्यूब पर दो चार वीडियोज़ भी देख लिए फनी वीडियोज़ भी देख लिए और पढ़ाई भी कर लिया तो इन सब का जो मिक्सचर होता है ना ये कंसनट्रेशन को ख़राब करता है और कंसनट्रेशन ख़राब होता है तो आपको पढ़ाई में पूरा फोकस नहीं हो पाता है और इससे मेमोरी पर असर पड़ता है लर्निंग एंड मेमोराइजिंग बाय अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉलिंग वॉट वन हैज इज वन हैज़ लर्न इज हेल्पफुल मतलब लर्निंग एंड मेमोराइजिंग बाय अंडरस्टैंडिंग जो भी कुछ पढ़ते हो ना अगर आप सोच अगर समझ के पढ़ते हो तो और उसको बार बार रिकॉल करते हो तो ये आपको पढ़ने में कोई भी चीज़ को सीखने में ना मदद करती है जल्दी आप सीख पाते हो ऑर्गेनाइजिंग एंड फ्रेमिंग अ लॉजिकल रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं कि आप अगर कोई भी चीज़ को लॉजिक से समझते हो जैसे हमारे पास फिजिक्स अगर हम पढ़ते हैं छत पर आप खड़े हो जाओ कोई भी अपने बॉल को छत से छोड़ दिया तो वो नीचे जाएगा ये लॉजिक है क्यों क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ का है वो ऑब्जेक्ट को उसके सरफेस पे लाके छोड़ती है ठीक है सरफेस पे ही गिरेगा ऊपर नहीं जाएगा ठीक है तो ये लॉजिक है इस तरह से पढ़ाई में बहुत जगह पे लॉजिक बनता है तो लॉजिक जब हम लगा के पढ़ते हैं ना चीज़ों को समझ समझ के अगर याद करते हैं तो ये सब चीज़ें हैं ना दिमाग को दिमाग में चीज़ें रह जाए लंबे टाइम तक ये बहुत मदद करती है इस तरह से ठीक है मास्टरी नॉट जस्ट द कंटेंट ऑफ़ द सब्जेक्ट बट ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ आंसरिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट मतलब ये कह रहा है कि आप कोई चीज़ को सिर्फ पढ़े जा मतलब रहे हो पढ़े जा रहे हो मतलब थियोरिटिकल नॉलेज तो बहुत हो गया लेकिन क्या आप उस चीज़ को जो पढ़ रहे हो आप किसी को समझा सकते हो कोई अगर सवाल आए कोई बच्चा अगर आपसे कुछ पूछ दे जो भी चीज़ आपने पढ़ा है क्या आप किसी को समझा सकते हो तो ये कहता है कि सिर्फ कंटेंट का मास्टरी होना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम थियोरेटिकली रट्टा मार लिए सब कुछ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो कुछ भी आपने पढ़ा क्या समझ के पढ़ा और क्या आप इसको समझा सकते हो या फिर इससे कोई भी सवाल आए तो क्या आप उसका जवाब दे सकते हो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एंड फीयर हैम्पर रिकॉल एंड रिजल्ट इन मेंटल ब्लॉक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो तो एग्ज़ाम में ना परेशानी की वजह से इतना ज़्यादा घबराहट की वजह से जो कुछ भी आपने पढ़ाया ना वो डर के मारे भूल जाते हैं या फिर जो चीज़ें पढ़ा हुआ है वो याद करने में मुश्किल आती है मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम वॉचिंग टेलीविज़न फॉर लॉन्ग टाइम कुड लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस इट स्टील्स अवे द रीडिंग टाइम ज़्यादा टाइम तक अगर आप टेलीविज़न पे लगे रहते हो टीवी में लगे रहते हो या मोबाइल में लगे रहते हो इंस्टाग्राम फेसबुक या यूट्यूब के फ़नी वीडियोज़ में लगे रहते हो तो उससे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़राब होएगी क्यों क्योंकि ये जो आप टीवी इंस्टाग्राम ये सब कर रहे हो इसमें बहुत सारा समय चला जाता है जो समय आपको पढ़ाई पर देना चाहिए था वो इसमें चला जाता है तो आपके पास बहुत कम समय रह जाता है पढ़ने के लिए तो इसलिए कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट एक सेल्फ डिसिप्लिन है मतलब आपको खुद को समझना होगा कि अभी जो है क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है या इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो फालतू वीडियोस है उन वीडियो को देख के बस आपको थोड़ी देर के लिए हंसी आएगी उसके बाद उसका कोई काम नहीं है आपकी ज़िंदगी में आगे फ्यूचर में बहुत रेयर ऐसी वीडियो होगी जिसका आप यूज़ कर पाते हो फ्यूचर में बाकी बहुत सारा टाइम जो हम टी देखते हैं वो टोटली यूजलेस होता है तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन ये खुद की जिम्मेदारी है खुद की डिसिप्लिन है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन खुद की जिम्मेदारी समझनी होगी और उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा टाइम मस्ट बी मैनेज बिटवीन फील्ड एंड अनफील्ड टाइम ये क्या कहता है ना कि जो आपका खाली समय है और जो आपका भरा समय है भरा समय इन द सेंस जो टाइम आपका ऑक्यूपाइड है लाइक फील्ड टाइम इज़ द टाइम स्पेंड बींग स्लीपिंग बेदिंग ईटिंग ड्रेसिंग अटेंडिंग स्कूल मतलब जो आपका सोने का समय है नहाने का समय है खाना खाने का समय है, कपड़े पहनने का और जो भी अटेंड स्कूल अटेंड करने का समय है तो ये सब चीज़ें जो है इन चीज़ों में जो टाइम लगना है वो तो लगना ही है उसको आप कम नहीं कर सकते आपका स्कूल कभी कभी आपका स्कूल अचानक से ख़त्म नहीं हो सकता आपको नहाने में कुछ वक्त लगेगा ही खाने में कुछ वक्त लगेगा ही सोने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो ये टाइम आपका फील्ड टाइम है एक स्टूडेंट के पास दस घंटा बचता है जो खाली समय होता है तो टाइम मैनेजमेंट यही है कि आपका ये जो दस घंटा है उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो हाउ बेस्ट इज द स्टूडेंट गोइंग टू यूटिलाइज दिस मेक अ टाइम टेबल फॉर द टेन आवर्स आपका ये जो दस घंटा है जो खाली समय है उसका आप टाइम टेबल बनाओ कि आप उस दस घंटे में क्या क्या करोगे और कौन से समय पे क्या करोगे और उसके बाद उसको फॉलो करो इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट जो कुछ भी आपने टाइम मैनेजमेंट के लिए किया मतलब जो भी टाइम टेबल बनाया उसको फॉलो किया और इसको रेगुलर फॉलो किया यही टाइम मैनेजमेंट होता है सेवन टू एट आवर्स ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर ऑप्टीमल फिजिकल रेस्ट एंड ब्रेन फंक्शनिंग अ पॉजिटिव थाट इज़ द सीड ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट ऑलवेज फील पॉजिटिव दैट विल हेल्प टू लेसन स्ट्रेस मतलब सात से आठ घंटा इंसान के सोने के लिए ज़रूरी होता है जिससे कि फिजिकल और मेंटल रेस्ट मिले मतलब शरीर और दिमाग दोनों ही काम करके थक जाता है उनको आराम चाहिए और उसके आराम के लिए सात से आठ घंटे की नींद की ज़रूरत होती है हर इंसान को ताकि इंसान का दिमाग और शरीर अगेन अगले नए दिन के लिए फिर से काम करने के लिए तैयार हो पॉजिटिव थाट जो होता है ना वो पॉजिटिव रिजल्ट लाता है मतलब इसीलिए कहते हैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करना चाहिए पॉजिटिव रहने की कोशिश करना चाहिए ऑलवेज़ फील पॉजिटिव और पॉजिटिव रहने से स्ट्रेस कम होता है इफ़ अ स्टूडेंट्स हैज सिम्टम ऑफ एंगजाइटी और डिप्रेशन सीख मेडिकल हेल्प इमीडिएटली अगर किसी स्टूडेंट को परेशानी होती है एंगजाइटी होती है घबराहट होती है बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कोई भी छोटी छोटी सिचुएसन की वजह से घबराहट होती है डिप्रेशन होती है तो ऐसे में पहले पेरेंट्स से बात करना चाहिए उसके बाद मेडिकल हेल्प लेना चाहिए थैंक यू